स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन GTM क्लासेस। आज हम क्लास फोर्थ का हिंदी का चैप्टर नंबर फर्स्ट रीड करेंगे, जिसका नाम है पुष्प की अभिलाषा या पुष्प की इच्छा। इसके पहले हम शब्दार्थ देखेंगे। तो पहला शब्दार्थ है बिंद, बिंद यानी छेदा जाना। दूसरा है पथ, पथ यानी रास्ता। फिर है पुष्प, पुष्प यानी फूल। फिर है अभिलाषा, अभिलाषा यानी इच्छा। फिर है हरि, हरि यानी विष्णु, हरि यानी विष्णु। देन आता है सुरबाला, सुरबाला यानी देवता की पुत्री। फिर है मातृभूमि, मातृभूमि यानी जन्मभूमि। फिर आता है इठलाऊं, इठलाऊं यानी इतराना या प्रसन्न होना। देन आता है पिरोना, पिरोना यानी गूंथना। फिर आता है शीश, शीश यानी सिर। फिर आता है ललचाऊं, उसका मतलब क्या है, लालच करूं। एक बार फिर से देखेंगे, बिंद, बिंद यानी छेदा जाना। फिर है पथ, पथ यानी रास्ता। फिर है पुष्प, पुष्प यानी फूल। फिर है अभिलाषा, अभिलाषा यानी इच्छा। फिर है हरि, हरि यानी विष्णु। फिर है सुरबाला, सुरबाला यानी देवता की पुत्री। फिर है मातृभूमि, मातृभूमि यानी जन्मभूमि। फिर है इठलाऊं, इठलाऊं यानी इतराना या प्रसन्न होना। फिर है पिरोना, पिरोना यानी गूंथना। फिर है शीश, शीश यानी सिर। फिर है ललचाऊं, ललचाऊं यानी लालच करूं। अब हम आगे पढ़ेंगे, इसमें बताया गहरी पेट, यानी इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इस कविता में हम क्या पढ़ेंगे वो बताया गया है। तो प्रस्तुत कविता माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित है। इसके कवि कौन है, माखनलाल चतुर्वेदी। फिर है इस कविता द्वारा कवि ने फूल के माध्यम से हम में देशभक्ति की भावना बढ़ने का प्रयत्न किया है। इससे कवि ने हम इस कविता के द्वारा कवि ने हमें क्या किया है, देशभक्ति की, देश की भक्ति की भावना भरने का प्रयत्न किया है या कोशिश की है। जिस प्रकार फूल त्याग बलिदान तथा समर्पण की भावना रखता है, जिस प्रकार क्या करता है, फूल त्याग बलिदान की समर्पण की जो भावना रखता है, उसी प्रकार हमें भी देश के लिए सर्वस्व त्यागने के लिए तत्पर रहना चाहिए या बलिदान करने के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। तो हम इस कविता को पढ़ते हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। कवि क्या कहना चाहते हैं, इसमें पुष्प की इच्छा व्यक्त की गई है। पुष्प कहता है कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं। पुष्प कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मैं देवता की पुत्री, सुरबाला यानी देवता की पुत्री के गहनों में गूंथा जाऊं। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, और मेरी यह चाहत नहीं है कि मैं प्रेमी द्वारा माला में गूंथ कर प्यारी अर्थात प्रेमिका को आकर्षित करूं। तो इससे कवि क्या कहना चाहते हैं, कवि पुष्प की जो इच्छा है वो व्यक्त करते है कि पुष्प नहीं चाहता कि मैं देवता की पुत्री के गहनों में गूंथा जाऊं, और पुष्प क्या चाहत नहीं रखता कि मैं प्रेमी द्वारा माला में गूंथ कर उसकी प्रेमिका को आकर्षित करूं। फिर आगे कवि पुष्प क्या चाहता है, चाह नहीं सम्राटों के शव पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इठला हूं। पुष्प चाहता है और भगवान से यह प्रार्थना करता है कि हे हरि, मेरी यह चाह नहीं है कि मैं राजाओं के शवों पर या मृत शरीर पर डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं, और मेरी यह चाह नहीं है कि मैं देवताओं के सिर पर चढ़ाया जाऊं और चढ़ने के बाद मैं अपने भाग्य पर इतराऊं या प्रसन्न हूं। तो पुष्प क्या नहीं चाहता, पुष्प राजाओं के मृत शरीर पर चढ़ना नहीं चाहता और ना ही देवताओं के सिर पर चढ़कर इतराना या प्रसन्न होना चाहता है। फिर है
मुझे तोड़ ले ना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। पुष्प वनमाली से कहता है कि हे वनमाली, तुम मुझे तोड़ कर उस पथ पर फेंक देना या रख देना जहाँ हमारे देश के वीर अनेक अनेक वीर सैनिक जन्मभूमि पर सिर चढ़ाने जाते हैं या हमारे देश की रक्षा कर कर अपना बलिदान देते हैं, बलिदान देने जाते हैं, उस पथ पर तुम मुझे फेंक देना। तो पुष्प इस के माध्यम से क्या कहना चाहता है, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, हे वनमाली मुझे तोड़ कर तुम उस पथ पर या उस रास्ते पर फेंक देना जिस पथ से अनेक सैनिक मातृभूमि की रक्षा के लिए जाते हैं और अपना बलिदान देते हैं। एक बार फिर से देखेंगे, चाह नहीं मैं सुरबा लाके गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। पुष्प कहता है कि मैं नहीं चाहता कि मैं देवता की पुत्री के गहनों में गूंथा जाऊं, और मेरी यह चाहत नहीं है कि मैं प्रेमी द्वारा माला में गूंथकर प्यारी अर्थात प्रेमिका को आकर्षित करूं। फिर है, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इटलाऊं। कवि पुष्प क्या चाहता है, पुष्प चाहता है और भगवान से यह प्रार्थना करता है कि हे हरि, मैं राजाओं के सौ पर या मृत शरीर पर नहीं डाला जाऊं, और मेरी यह चाहत नहीं है कि मैं देवों के सिर पर चढ़कर इतराऊं या प्रसन्नता महसूस करूं। फिर है, मुझे तोड़ ले ना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। पुष्प वनमाली से कहता है या विनती करता है कि हे वनमाली, तुम मुझे तोड़कर उस पथ पर फेंक देना या रास्ते में फेंक देना जिस पथ से हमारे देश के अनेक वीर सैनिक जन्मभूमि पर शीश चढ़ाने जाते हैं या हमारे देश की रक्षा कर अपना बलिदान देते हैं। तो इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं, इस कविता के माध्यम से कवि पुष्पों का उदाहरण लेके सभी देशवासियों में या सभी लोगों में त्याग बलिदान व समर्पण की भावना पैदा करना चाहते हैं। ठीक है, आज हमने पुष्प की अभिलाषा कविता को समझा, अगली क्लास में हम इसकी प्रश्न उत्तर देखेंगे। धन्यवाद।